मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक है आप लोग? और आपकी पढ़ाई सब ठीक चल रही है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा संस्कृत पीरियड है और हम सब पढ़ेंगे अभी संस्कृत बच्चों। और आज हम सब संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 13। यानी कि पाठ 13 का शीर्षक है अस्माकं पश्वा। अस्माकं पश्वा, अस्माकं मतलब हमारी, हमारे, पश्व मतलब जानवर, हमारे जानवर, ठीक है, आवर एनिमल्स। अस्माकं बच्चों अहम से बना है अस्माकं। अहम में जब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो अहम जो होता है वो अस्माकं हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग कठिन शब्दों पे विचार करने के बाद पाठ
13 को पढ़ेंगे। पाठ 13 का शीर्षक है अश्माकं पशुः। आइए हम सब पढ़ते हैं, ओके। आप लोग भी पाठ 13 ओपन करेंगे, पेज नंबर 55। और बच्चों इस पाठ को आपको ध्यान पूर्वक देखना है, पढ़ना है, मेरी वॉइस को, मेरी आवाज को ध्यान पूर्वक सुनना है, ताकि आप लोग उसका उच्चारण जो है वो शुद्ध कर सकें। उच्चारण आप लोगों को बिल्कुल शुद्ध करना है, ओके। बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाता है, सब कुछ सही पढ़ते हैं, उच्चारण जब शुद्ध नहीं होगा तो चीज वो गलत हो जाएगा, ओके। इसलिए आप लोग उच्चारण पे विशेष ध्यान दें। ऐसा अस्माकं गौ अस्ति, ऐसा मतलब होता है यह हमारी गाय है, गौ मतलब होता है गाय, गौ का अर्थात गाय होता है, अस्ति मतलब है। ऐसा हरितम तृणम खादति, हरितम मतलब हरा, तृणम मतलब घास, यह हरा घास खाती है। ऐसा अस्मभ्यम मधुरम दुग्धम ददाति, यह हमारे लिए मधुर मतलब मीठा दूध देती है, ददाति मतलब, ददाति मतलब देती है, ठीक है। हलेन क्षेत्रम कर्षत
की उन्नति में बैल की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि बैल जो है हमारे खेतों में काम करता है, खेत को जोतता है, अन्न को उत्पन्न करता है और अन्न जो है हम खाते हैं, अन्न खाते हम जीवित रहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं ऐसा अजा, अजा मतलब होता है बकरी, ठीक है। यह ऐसा मदैया, यह बकरी है, ऐसा त्रीणम चरती, त्रीणम का घास होता है बच्चों, यह घास चरती है, ऐसा मधुरम दुग्धम ददाती, यह मीठा दूध देती है, एतस्या दुग्धेन बालका पुष्टाम भवन्ती, इसके दूध से बच्चे पुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं, इसके दूध में वो बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं, जो बकरी का दूध होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है, ठीक है। अजा अनेक वर्णा भवंती, जो बकरियां जो होती हैं वो अनेक रंगों की होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा बकरियां हर कलर की होती है, हर रंग की होती है, लाल काला सफेद भूरा, हर रंगों की होती है बकरियां। स्टूडेंट्स को आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऐसा महिषी, महिषी मतलब होता है भैंस, यह भैंस है, ऐसा तृणम खादती, यह घास खाती है, ऐसा दुग्धम ददाती, यह दूध देती है, एतस्याः दुग्धम मधुरम पुष्टिकरम च भवति, इसका जो दूध होता है मधुरम और पुष्टिकरम यानी कि मीठा और पुष्टिकर होता है, ठीक है, फायदामंद होता है, चौकार होता है, और एतस्या दुग्धम मधुरम पुष्टिकरम च भवति, इसका दूध जो है मीठा और पुष्टिकर होता है, फायदामंद होता है। महिषी दुग्धा ने सर्वान पोषयति, महिषी दुग्धा ने सर्वान पोषयति, यानी कि भैंस दूध देकर सभी का पोषण करती है, भैंस दूध देकर सभी का पोषण करती है। ऐसा कृष्ण वर्णा भवती, यह काले रंग की होती है, भैंस किस रंग की होती है, काले रंग की होती है। वयम मतलब हम सब, एतस्या मतलब इसका, दुग्धम पीत्वा पुष्टा भवा, दूध पीकर पुष्ट होते हैं, वयम एतस्या दुग्धम पीत्वा पुष्टा भवाम, यानी कि हम सब इसका दूध पीकर पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ओके। गाय भैंस बकरी का दूध जो होता है बहुत ही फायदामंद होता है, उसमें दुनिया के तमाम पोषक तत्व उसमें मौजूद रहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदामंद होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अपने घरों में पशुओं को पालना चाहिए, रखना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही फायदामंद होते हैं, इनसे हमें दूध मिलता है, जो दूध है बहुत ही पुष्टिकर होता है, बहुत ही फायदामंद होता है, तो हमारे छोटे बच्चों के लिए पालने में फायदामंद होता है, हमारे हम सब के लिए भी दूध बहुत ही जरूरी है, दूध हमारे शरीर को पुष्ट करता है, मजबूत करता है, पुष्टि देता है, ओके। इसलिए हमें हमेशा अपने घरों में जानवर को भी पालना चाहिए, रखना चाहिए। ये है बच्चों हमारा आज का पाठ 13 अस्माकं पशवः, तो आप लोगों ने आज जाना इस पाठ के माध्यम से कि हमारे लिए जानवर कितना फायदामंद है, कितना मुफीद है, जानवर घर में रखने से क्या फायदा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से आज पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है आप हमसे जरूर पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे जरूरी आप लोग इस पे ध्यान देना है कि आपको उच्चारण बिल्कुल शुद्ध करना है, उच्चारण गलत कीजिएगा आप।